नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लोकसभा चुनाव 2019 सातवीं प्रज्ञा की बड़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने फिर भेजा नोटिस। लोकसभा चुनाव 2019 में भोपाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें बढ़ सकती है। भोपाल जिला चुनाव अधिकारी ने साध्वी प्रज्ञा को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस प्रज्ञा पर चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध के दौरान प्रचार करने को लेकर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार साध्वी प्रज्ञा पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए 3 दिन के प्रतिबंध के बावजूद भी चुनाव प्रचार किया। चुनाव आयोग ने मामले पर नोटिस भेजकर साध्वी से जवाब मांगा है। हालांकि गुरुवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ साध्वी प्रज्ञा पर प्रतिबंध आज सुबह खत्म हो गया है। मायावती ने बताया, अमेठी रायबेली में एक एक वोट कांग्रेस को जाएगा। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत चौथे चरण की वोटिंग के बाद अब 3 चरणों के चुनाव बाकी है। 5वें चरण के चुनाव 6 मई को होने हैं। बाकी 3 चरणों में 169 लोकसभा सीट पर वोटिंग होने हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें राउंड के लिए शनिवार को प्रचार समाप्त हो गया। 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार का शनिवार को आखिरी दिन था। कंप्यूटर बाबा का पीएम मोदी पर हमला, कहा अब की बार राम राम कहकर बदलेंगे चौकीदार। कंप्यूटर बाबा ने शनिवार को फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि अब की बार राम राम कहकर बदल कर रख देंगे चौकीदार। बाबा ने कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री को जनता सबक सिखाएगी। कंप्यूटर बाबा ने राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में मां नर्मदा को छलनी करके रख दिया। उन्होंने कहा कि शिवराज के कार्यकाल में हुए नर्मदा में अवैध उत्खनन और नर्मदा किनारे किए गए वृक्षारोपण मामले की वे लोकसभा चुनाव के बाद जांच कराएंगे। बाबा ने कहा कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था तो उन्होंने प्रज्ञा को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाते तो माहौल कुछ और ही होता। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 125 करोड़ जनता से जो वादे किए उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।